नमस्कार दोस्तों, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या आप पैसा तुरंत खाते में चाहते हैं? क्या आप बैंक में लाइन लगाने से बचते हैं? क्या आप बैंकिंग या बैंकिंग परेशानियों से बचना चाहते हैं? क्या आप एटीएम में जैसे पैसा निकालते हैं वैसे ही जमा करना चाहते हैं? तो दोस्तों आइए, हम आपके लिए एक ऐसी सुविधा बताने जा रहे हैं, जैसे आप एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं वैसे ही पैसा आप जमा भी कर सकते हैं। दोस्तों उस मशीन का नाम है सीडीएस मशीन, जिसमें आप कैश डिपॉजिट सिस्टम यानी पैसा जमा कर सकते हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म कैश डिपॉजिट सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे। चलिए हम आ गए हैं मशीन में। मशीन में यहाँ पर देखिए, बटन दबाते ही अकाउंट नंबर का ऑप्शन मांगता है। हम अकाउंट अपना अकाउंट नंबर जो 15 डिजिट का होता है उसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद करेक्ट ऑप्शन दबाएंगे। करेक्ट ऑप्शन दबाने के बाद कुछ उसको डाउट लग रहा है, इसलिए वह दोबारा मेरा अकाउंट नंबर मांग रहा है। चलिए हम दोबारा अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप एक बार भी डाल देंगे तो ले लेगा। तो चलिए हम करेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नाम और पिताजी का नाम शो करेगा, कहीं कहीं पर केवल नाम ही शो करता है। चलिए हम ओके कर देते हैं, कंफर्म। अब कहता है कि अपना मतलब केस इंसर्ट केस, यानी वहाँ पर हम पैसा रख दिए। यहाँ पर पैसा रखने के बाद जारी रखिए पर क्लिक करते हैं। जारी रखिए पर क्लिक करते हैं तो वह अंदर कुछ प्रोसेस चलती है। प्रोसेस चलने के बाद वह पैसा काउंट करता है, पहचान करता है कि वह कितने की नोट है और कितनी संख्या में है। इतना करने के बाद देखिए वह कुछ बता दिया, कुछ इरर आ गया, यानी कुछ जो नोट है मुड़ी थी या पुरानी नोट है तो उनको नहीं लेता है, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बता दिया। मैंने उसको निकाल लिया तो वहाँ पर कुछ बता रहा है स्क्रीन में, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। 500 की चार नोट जमा हो चुकी हैं। एड मोर पर क्लिक करके हम फिर से जमा करना चाहते हैं और कुछ, फिर हम इस नोट को वहाँ पर ट्रे में रख कर फिर जारी रखिए पर क्लिक करते हैं। कुछ सीधा विधा करके रख दिए, फिर देखिए क्या करता है। अब देखिए पुनः रिजल्ट आने का वेट करते हैं, प्लीज वेट कहा है। तो चलिए पुनः वो नोट फंस गई, यानी कि जो टेढ़े मेढ़े नोट या पुराने नोट होते हैं, जो मुड़ गए होते हैं, उन नोटों को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता, लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए हम अगली बार ट्राई करते हैं, फिर से एड मोर पर क्लिक करते हैं। यानी हमारे पास पांच नोट थी 500 की, तो चार नोट जमा हो गई है उसमें, लेकिन एक नोट नहीं ले रहा है। चलिए फिर से हम ट्राई करते हैं। ट्रे में नोट रखने के बाद जारी रखिए पर क्लिक कर दिए। ट्रे बंद हो चुका है, पुनः काउंटिंग और प्रोसेसिंग चालू है। अब वह नोट की काउंटिंग शुरू कर दिया है, इस बार मुझे उम्मीद है कि ले लेगा, इसलिए यह बता दिया कि 500 की पांच नोट यानी 2500 जमा हो चुके हैं। इसके बाद कंफर्म बटन दबाने पर कुछ प्रोसेस करने के बाद अब मुझे पर्ची देगा। दोस्तों पर्ची से पहले मैसेज मोबाइल में आ जाता है कि आपका पैसा खाते में जमा हो चुका है, यह पैसा तुरंत ही खाते में जमा हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही एक लाइट जलेगी, लाइट जलने के साथ पर्ची निकल आई है। देख लेते हैं कि पर्ची हमारा किस प्रकार से है। देखिए इस तरीके से है और हमारे 2500 पैसे खाते में जमा हो चुके हैं, तुरंत मैसेज आ गया है। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।